ये है एक नॉर्मल फुटेज जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने सेंड की थी फॉर कलर ग्रेडिंग एंड एडिटिंग, एंड ये है कलर ग्रेडिंग करने के बाद फाइनल आउटपुट। ऐसे ही सिमिलर एक और क्लिप थी मेरे पास जो बिल्कुल फीकी और बेजान लग रही थी, तो उसको भी मैंने कलर ग्रेड करने के बाद कुछ ऐसा बना दिया। कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेड, कलर ग्रेड सीसी या कलर करेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी वीडियो का। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स डिफरेंट इमोशंस बताता है, जैसे कि येलो से हमारा तात्पर्य ये है कि वो इनसिक्योरिटी को बताता है, और उसी तरह ब्लू ले लो, ब्लू भी सैडनेस को इंडिकेट करता है और कभी कभी शांति को भी इंडिकेट करता है। ये सब आपकी वीडियो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि क्या वीडियो की टॉपिक है एंड आप उसके हिसाब से कलर क्या चूज कर रहे हो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कलर ग्रेडिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, जिसके लिए आपको डाविंची रिजॉल्व या XYZ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बट आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाऊं कि आप ऐसी सिमिलर दिखने वाले फुटेजेस या फिर उससे भी अच्छे कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो विद यूजिंग वंडरशेड फिल्मोरा 12। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जो की है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर वंडरशेड फिल्मोरा 12। ऑब्वियसली ओपन करोगे, नहीं तो कैसे करोगे भाई एडिट? आपका जो फिल्मोरा है वो डैशबोर्ड उसका ओपन हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज नॉट फ्रॉम क्लाइंट, ये पिक्सल्स मैंने डाउनलोड की थी ताकि मैं आपको बता सकूं। मैं क्लाइंट इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ रहे भावना समझ सको आप, ताकि क्लाइंट की जैसी मैं एडिट कर पाऊं। सो नाउ जस्ट लेट मी ड्रॉप इट हियर। आपको क्या करना है, क्लिक करना है आपकी फुटेज को। बट बिफोर दिस ये देख सकते हो आप पोर्ट्रेट है हमारी क्लिप, तो हमको यहाँ पर फाइल प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके इसको करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर देख सकते हो पोर्ट्रेट अभी भी नहीं हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देते हैं पूरी तरीके से। ये हो गया हमारा वीडियो पोर्ट्रेट मोड में। डबल क्लिक ऑन योर वीडियो एंड यहाँ पर आपको जाना है कलर में। एंड आपको बता दो गाइस, पहले यहाँ पर कलर व्हील्स जो है आप नहीं होता था, बट अब है, ये न्यूली एड कर दिया गया। एंड अगर आपको नहीं पता हो तो व्हील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल कह सकते हो, जो कि आपके वीडियो को जो कलर ग्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आपको प्रीमियर प्रो आफ्टर इफेक्ट्स में भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। सो सिंपलाइजिंग करने के लिए आपको वंडरशेड फिल्मोरा है। सो फॉर दैट जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं हम अपने बेसिक में, एंड देन जस्ट लट में अगर आपको कोई भी लट यहाँ पर मैच हो रहा है तो यू कैन जस्ट सिंपली यूज लट, बट आई रिकमेंड डोंट यूज इट बिकॉज लट से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है क्लिप, तो उसको अवॉइड ही कर दो एंड जस्ट क्लिक ऑन कलर। कलर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वाइब्रेंस को जो है 50% तक इंक्रीज कर देना, जो सैचुरेशन उसको 30% तक इंक्रीज कर देना। सो आई एम नॉट गोइंग विद एग्जैक्ट नंबर्स, या थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, सो जस्ट सिंपली लीव दिस। एंड अगर आपको बिफोर एंड आफ्टर देखना तो आप ये सिंपली ऑन कर लेना, तो यहाँ पर आपको जो बिफोर एंड आफ्टर क्लिप का दिख जाएगा, देख सकते हो। मैं इसको कंट्रोल प्लस स्क्रोल करोगे तो सिंपली ये फुटेज बड़ी हो जाएगी। सो एज यू कैन सी, अब यहाँ पर आप इसको कंपेयर करके एडिट कर सकते हो कैसा आपको चाहिए। सो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है सैचुरेशन, एंड बहुत ज्यादा यहाँ पर आपकी जो वीडियो होती है क्लिप वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है, देख सकते हो। थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इंप्रूव हुई, अभी हम करेंगे और। एंड यहाँ पर कलर को आप क्लोज कर दो, यहाँ पर लाइट पे आपको क्लिक करना है, एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड ब्राइटनेस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देना है, जिससे कि आपको जो कॉन्ट्रास्ट वाला लुक आएगा। एंड थोड़ा सा हम और डिक्रीज कर देते हैं उसको 10 तक, आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। 10 तक नहीं, 5 तक रहेंगे, एंड थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज कर देंगे, एंड देन कॉन्ट्रास्ट को आपको इंक्रीज कर देना है। अप्रोक्सीमेटली 30 रख रहा हूँ मैं फॉर दिस क्लिप, आपको अपनी क्लिप के हिसाब से रखना है। सो व्हाटएवर क्लिप यू आर यूजिंग जस्ट, बट कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा मेन है। अगर आपकी वीडियो में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा तो आप उसको कम भी कर सकते हो, ताकि आपकी वीडियो थोड़ी फीकी फीकी लगे, मतलब फीकी नहीं, अगर आपकी वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है तो आप उसको थोड़ा सा फीका बना सकते हो, एंड वो सही है बनाना, ठीक है, कर सकते हो आप। वैसे मैं करता हूँ अपनी वीडियोस में तो कुछ जहां पर कॉन्ट्रास्ट ऑलरेडी ज्यादा होती है, एंड यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कम है, देख सकते हो फीकी वीडियो है तो हमें कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट जस्ट हाईलाइट्स आपको देख सकते हो, अगर आपको हाईलाइटिंग करनी है, जैसे ये जो लाइटिंग आ रही है, ये सारे लाइटिंग आपको शो करना है, तो आप सिंपली इसको इंक्रीज कर सकते हो। फॉर अगर आपको नहीं करना है शो, तो सिंपली यू कैन जस्ट डिक्रीज इट, एंड मैं -10 तक इसको रखता हूँ। शैडो को हम यहाँ पर थोड़ा सा कम कर देंगे, बिकॉज कॉन्ट्रास्टी लुक चाहिए, सो शैडो को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक अप्रोक्सीमेटली 29 या 28 के हिसाब से। देख सकते हो आपको कुछ ऐसा क्लिप दिख रहा है, एंड देन व्हाइट में आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, व्हाइट एंड ब्लैक थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो ये ओवरऑल जो है हमने हाईलाइट शैडो को डिक्रीज कर दिया, व्हाइट एंड ब्लैक को इंक्रीज कर दिया, जिससे कि आपका जो ओवरऑल बैलेंस लुक आ जाएगा, ज्यादा आपके शैडोज कम भी नहीं होंगे, ब्लैक जो होते हैं वो कम भी नहीं होंगे, ज्यादा इंक्रीज भी नहीं होंगे, बैलेंस वाला लुक आ जाएगा। सो ये मेरा कहना है, आप अपने माइंड सेट पर आप चलते हो। एडजस्ट को भी हम छोड़ देते हैं। विनियट में आपको आना है, विनियट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर आपको वीडियो में अपने विनियट चाहिए तो यू सिंपली जस्ट ऐड इट, अपने हिसाब से डाल सकते हो आप, लेकिन ज्यादा जरूरत तो है नहीं वैसे विनियट की। फेदर आप इंक्रीज करके रखना, बिकॉज फेदर अगर ज्यादा नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा अच्छा लुक आता, देख सकते हो। नाउ एच
ASL, अगर आपको अपनी वीडियो के कुछ जो कलर्स होते हैं उसको आउटस्टैंडिंग बनाना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, कुछ कलर्स मतलब लाइक सेलेक्टिव, जो मैं व्हाइट पहनूं, व्हाइट तो नहीं होगा, जैसे मेरे पास जो शेडो आ रही है क्या कलर है भाई, ये ग्रीन कलर का शेडो आ रहा है, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, अलग डायरेक्शन में जा सकता हूँ। या फिर आप मेरा फेस कलर देख सकते हो, मेरा फेस अभी थोड़ा सा डार्क रहा होगा, अगर मैं ल्यूमिनस को इंक्रीज कर दूंगा तो मेरा फेस एकदम गोरा हो जाएगा, अगर मैं पूरा ही डिक्रीज कर दूंगा तो मेरा फेस जो है बिल्कुल ही काला हो जाएगा। सो रेसिज्म को छोड़ के यहाँ पर बात करते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं बिकॉज अभी इतनी ज्यादा हमें इसकी जरूरत है नहीं। सो हम सिंपली कर्व्स में आ जाएंगे। कर्व में आने के बाद कर्व का सिंपली एक यही यूज होता है कि आप सिंपली कर्व से अपनी वीडियो का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो जाएगा, अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो कॉन्ट्रास्ट डिक्रीज हो जाएगा। एंड यहाँ से आप हाईलाइट्स वगैरह नीचे देख करके चेंज कर सकते हो। सो सिंपली मैं, मेरे को कम कॉन्ट्रास्ट चाहिए, सो आई सिंपली डूइंग दिस लेस एंड हाईलाइट्स थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। सो ऐसा कुछ मैं बनाता हूँ, ठीक है। अगर आपको अलग चाहिए तो वैसे भी आप कर सकते हो, बीच वाला इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अंधेरा है आपका क्लिप तो सिंपली बीच वाला भी आप अप कर सकते हो। यहाँ पर RGB भी आपको मिल जाएंगे तो सिंपली यू कैन जस्ट RGB के हिसाब से भी आप कर सकते हो। अगर आप R को कम करोगे तो यहाँ पर आपकी जो जितनी भी रेड लाइटिंग है वो कम होकर ब्लू हो जाएगी, देख सकते हो। इंक्रीज करोगे तो रेड लाइटिंग और ज्यादा आउटस्टैंडिंग होकर आएगी। आप अपने क्लिप के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको रेड लाइटिंग ज्यादा बतानी है तो मेरे को रेड लाइट जो जितने भी रेड यहाँ पर जो कलर्स दिख रहे हैं रेड कलर्स, वो मैं इसको थोड़ा सा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, तो मैं उसको करूंगा। एंड थोड़ा सा सैचुरेशन जो है एंड सेंटर में थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा, ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आएगा इससे। सो नाउ लेट्स गो टू ग्रीन। तो ग्रीन में यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, देख सकते हो ग्रीन के ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ग्रीन ऐड करना तो यू कैन सिंपली ऐड, पर मेरे को ग्रीन ऐड नहीं करना है, हटाना भी नहीं है बिकॉज ग्रीन है ही नहीं हमारी क्लिप में। सो मैं इसको ज्यादा नहीं हटाऊंगा। एंड देन ब्लू यहाँ पर है अपनी क्लिप में, तो ब्लू को हमको ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं रखना है, ब्लू को हमको ज्यादा नहीं दिखाना है, तो ब्लू में थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा। एंड यहाँ से भी डिक्रीज, बीच से थोड़ा सा हम ब्लू ना इंक्रीज कर देंगे जिससे कि जो सैचुरेशन है ब्लू की वो इंक्रीज हो जाए। एंड एज यू कैन सी अभी से ही बहुत ज्यादा ओपी लगने लगी है हमारी क्लिप। सो आप ऐसे करके देख सकते हो भाई कितनी ओपी लग रही है क्लिप भाई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कलर व्हील्स, जिसके लिए पूरी वीडियो हाइप थी। कलर व्हील्स अगर आप यूज करोगे तो आपकी वीडियो भाई चुमेश्वरी हो जाएगी भाई, मैं क्या ही बता सकता हूँ। हैदराबादी में बोले तो क्रैक हो जाती तुम्हारी वीडियो, मौत डाल देता तुम अगर ये यूज कर लिए तो ये वाले पार्ट को तुम ना स्किप बिल्कुल भी नको करो। मैं पहले बता दे रहा हूँ तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसा क्या करना है इसमें। आपको हाईलाइट्स एंड शेडोज को डिक्रीज कर देना है, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, हाईलाइट्स एंड शेडोज को डिक्रीज करता हूँ एंड जो मिड टोन्स है उसको इंक्रीज कर देना है जिससे कि ओवरऑल बैलेंस लुक आ जाएगा एंड थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग लुक आएगा। मैं बताता हूँ, देखो देख सकते हो बैलेंस लुक है, बट जो हमारे कॉन्ट्रास्ट है वो भी कम हो चुके हैं एंड वीडियो ज्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ी वीडियो में। सो आप यहाँ कॉर्नर में देख सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, देख रहे हो ऐसा आप कर सकते। अभी आपको क्या करना है, सिंपली शेडोज का आपका जो कलर है वो आप पूरी ओवरऑल वीडियो की थीम है वो किस कलर में रखना चाहते हो, लाइक ब्लू तो ब्लू ना, रेड तो रेड में लेके आना, तो मैं तो रेड में लेके आता हूँ, रेडिश से येलो इश रेड में लेके जाऊंगा इधर, देख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इसको ला दिया। अभी आपको इन दोनों को इसी के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है नीचे, तो ये साइड में लेके आता हूँ इसको। ज्यादा मिड टोन को ज्यादा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मिड टोन को ज्यादा नहीं करना, मिड टोन को जो हम थोड़ा सा इधर करेंगे, ज्यादा नहीं ब्लू की तरफ, थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही हो गया भाई बहुत ज्यादा हो गया, बस इतना सा, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा जो हमारा हाइलाइट्स को भी है ना ब्लू की तरफ लेके जाते हैं ऐसे, एंड जो रेड है रेड की तरफ इसको ऊपर लेके चले जाता है। सो ओवरऑल आपकी जो वीडियो की है जो थीम होती है वो रेड एंड ब्लूइश हो चुकी है, एज यू कैन सी। एंड नाउ आपकी वीडियो फाइनली रेडी हो चुकी है एंड यू आर गुड टू गो। एंड आप अपने क्लाइंट को ये वीडियो दे सकते हो, अगर आपकी वीडियो है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो, इसको अपलोड कर सकते हो बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से। एंड लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सिंपली आपको ही अपनी वीडियो को 4K में करना है, इवन दो वो 4K नहीं है तो वो बताता हूँ कैसे करना है। आपको सिंपली बेसिक में जाना है, एडजस्ट मैंने वहां पर जब छोड़ दिया था, एडजस्ट इसलिए मैं छोड़ा था यहाँ पर आपको बताने के लिए, तो सिंपली एडजस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एडजस्ट को जो शार्प है आपको 40 के अराउंड कर देना है। एंड एज यू कैन सी कितना ज्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आप मेरी क्लिप देख सकते हो, ये है हमारा विदाउट शार्प एंड ये है हमारा विद शार्पन, तो देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। बहुत ही छोटा लगेगा लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है आपकी वीडियो पे। सो सिंपली मैं 40 तक रखता हूँ, 50 या 60 भी जा सकते हो या फिर 100 भी जा सकते हो आपके अकॉर्डिंग विदाउट डूइंग दिस। अभी आप इसको प्रीसेट की तरह कैसे यूज कर सकते हो फॉर नेक्स्ट वीडियो वो बता देता हूँ मैं आपको। सिंपली आपको जाना है एडजस्टमेंट लेयर पे एंड एडजस्टमेंट लेयर एक ड्रॉप कर लेना है। ड्रॉप करने के बाद आपका जो ये वीडियो है इसका जो राइट क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड आपका जो एडजस्टमेंट लेयर है इस पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। एंड करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट लेयर पे जो इफेक्ट
पेस्ट हो चुका है। नाउ सिंपली आपको सेव एज कस्टम पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आप कस्टम पे जाओगे। आपका जो ये है, ये जो आप देख सकते हो कस्टम फोर पे हमारा करके जो सेव हो चुका है। अगर आपको कोई नाम देकर सेव करना है तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हो एंड यहाँ पर आप इसको नामकरण भी कर सकते हो जो भी नाम आपको देना है। एंड यहाँ पर आप सिंपली ऐसे करके प्रीसेट यूज कर सकते हो आपकी आने वाली एवरी वीडियोस में। सिंपली आपको इतना ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मिलता हूं तुम्हें से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे एंड कमेंट कर देना आपको क्या सीखने को मिला है, कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया। सिंपली आप टाइम स्टैम्प छोड़ सकते हो, मैं उसके हिसाब से आपको रिप्लाई कर दूंगा बहुत ही जल्द। क्या कर रहे हैं तुम लोग, आप बैगन में मिला देता हूं मैं, जाके कमेंट करो बैगन। ये वीडियो पसंद आई है तो आपको ये वाली भी वीडियो पसंद आएगी जहां पर मैंने बताया कि आप अपनी ऑडियो को प्रोफेशनली कैसे एडिट कर सकते हो। सो सिंपली जस्ट क्लिक ऑन इट एंड वॉच इट नाउ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।